बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हम बात करते हैं जी शुरू। तो हम नाश्ता आज का है हमारा। नाश्ता करते हैं और फिर चाहते हैं कुछ काम है वो निपटाएंगे। आज काम ज़्यादा है, गाड़ी में काम करना है और बिजली का बिल है वो जमा करो, इसको अदा करके जमा करवाना है। तो अभी इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं मैं और भाई, हम दोनों निकल कर दोनों काम निपटाते हैं। काम आज बहुत ज़्यादा है हमारा। तो एक मुर्गी हमारी गायब है, पता नहीं किधर चली गई है। मैं उसको ढूंढने के लिए ऊपर चला आया हूँ, देखता हूँ किधर है। ये तो बैठी हुई है यहाँ पर, बैठी हुई है बड़ी वाली। थी देखते हैं कुछ भी नहीं है। इसकी एक बहन है वो गायब है, ये सफ़ेद वाली है हमारी, वो गायब है, वो नहीं मिल रही, पता नहीं किधर है। इधर आई हुई है, यहाँ बैठी हुई है, लेकिन ये जगह इनके लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसको यहाँ से उठाते हैं। ये गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये यहाँ पे आई है, यहाँ पे बैठी हुई है। इधर आके बैठ जाओ। पानी पीने लग गई है इस बेचारी की, दोनों कमज़ोर थी, इसके भी पाँव में कमज़ोरी महसूस हो रही है उसकी भी। तभी हम आपके सामने एक अनबॉक्सिंग करवाते हैं और ये मैट्स है जो हमने गाड़ी के लिए मंगवाया। हाय हाय हाय, काफ़ी सख्त है। तो ये रहे जी हमारे फ्लोर मैट्स जो गाड़ी के लिए हमने मंगवाए, हमारी गाड़ी के लिए हमने ये फ्लोर मैट्स मंगवाए थे, तकरीबन 800 रुपये का हमें पड़ा है मार्केट से। तो ये इसमें डालते हैं, गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी है तो इसको साफ़ करते हैं, फिर इसके अंदर ये डालेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम अंदर से साफ़ करते हैं गाड़ी को, बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो इसको हम साफ़ करते हैं, फिर हम ये मैट डालते हैं इसके अंदर। ऐसे रखवाते हैं, एंगल ऐसे रखवाते हैं, देखते हैं कैसे लगी है। हाँ सही है, बिल्कुल करते हैं अंदर से। तो नए जो हमने नए मैट्स इंस्टॉल कर दिए गाड़ी में, लगा दिए और
बस ये गलती हमने की कि इसको सर्विस नहीं करवाया गाड़ी को, क्योंकि अंदर से गाड़ी गंदी है बहुत ज़्यादा, तो ये हमें करवाना चाहिए था। फिर उसके बाद हमें मेट लगवाने चाहिए थे। खैर इंशाल्लाह एक दो दिन में हम गाड़ी को सर्विस भी करवाएंगे और फिर ये मेट्स वगैरह इंशाल्लाह फिर दोबारा से फिर ये गाड़ी इंशाल्लाह साफ़ नज़र आएगी। ये वाला मेट मैंने धोने के लिए रखा था, माशाल्लाह से ये भी जो है खुश्क हो गया है। इस तरह इसको थोड़ा सा उल्टा भी लगा है ताकि ये और भी खुश्क हो जाए, क्योंकि ये नीचे से गीला है। तो अभी मैं Adobe प्रीमियर प्रो 2020 यूज़ कर रहा हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। ये काफ़ी टफ है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो इसी पर ही एडिट करूँ और इसी से ही अपलोड करूँ। इसमें बस जो जो फंक्शंस हैं और ज़्यादा मुश्किल है, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से व्लॉग एडिट करूँ और यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है। तो अभी ये वाली जो वीडियो है मैं अभी इसको एडिट कर रहा हूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर लूँगा। तो आजकल के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आजकल हर चीज़ महंगी हो रही है। बिल हमारा था बहुत ज़्यादा, तकरीबन 42,000 रुपये आया था, वो हमने अदा करके अभी जमा करवा दिया है। तो यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी हम अफोर्ड नहीं करवा सकते। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आजकल की हालत कुछ ऐसे है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो बस मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी, मैं इंशाल्लाह रोज़ाना यूट्यूब पे एक ना एक वीडियो डलवाऊँगा। तो बस यार क्या करें, हालत ने हमें यूट्यूबर बना दिया है। अब इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग करवाऊँगा, फिर एक ना एक व्लॉग आएगी हमारी। तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। तो बाहर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी हम अंदर कमरे में आ गए और मेट भी गाड़ी में लगा दिए। तो आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।